घर श्याम गौतम, 2012 महावीर नगर एक्सटेंशन कोटा में रहता हूँ। और मेरी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जैसे मैं पैदल चलता था तो मेरे जैसे सांस जैसे भरने लगता था और थोड़ी मुझे दिक्कत होती थी। फिर थोड़े देर रुक करके मैं चलता था तो थोड़ा सा चल पाता था। ये प्रॉब्लम मेरे को पिछले 3-4 महीने से हो रही थी। इसके बाद मैंने डिसीजन किया कि मुझे दिखा लेना चाहिए कहीं भी, तो ऐसे करके मैं फिर यहाँ पर संपर्क में आया हमारे रिलेटिव के। और रिलेटिव के संपर्क में आने के बाद उन्होंने मुझे विक्रम जी सर को सजेस्ट किया, तो मणिपाल हॉस्पिटल में जाकर के मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, पुराने जो पेपर थे वो सब दिखाए और उन्होंने जजमेंट किया कि आपको 2 ग्राफ्टिंग की जरूरत है और जो है क्या नाम है आपका मिनिमल CABG से काम चल जाएगा। उसके आधार पर मैं 2 दिसंबर 2021 को मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ की टीम और डॉक्टर साहब के सदव्यवहार से मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला और मेरा इलाज हुआ। इलाज के बाद मेरे को 8 तारीख को छुट्टी हो गई थी और छुट्टी के बाद मेरा बराबर से ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। सेकेंड टर्म में मुझे 15 तारीख को दोबारा से दिखाने जाना है। इसके बीच में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, आई एम डॉक्टर विक्रम गोयल। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में चीफ कार्डियक सर्जन और HOD के पद पे कार्यरत हूँ। मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी हमने पिछले वीक में कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली 3-4 मरीजों में की और इनमें से ही एक मरीज हैं श्री घनश्याम जी। घनश्याम जी को मल्टी वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण से कोटा से जयपुर में लाया गया और इन्होंने कोटा में विभिन्न डॉक्टर को दिखाया और आजकल सोशल नेटवर्क का ज़माना है तो इन्होंने पता किया कि मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी केवल जयपुर में ही संभव है और इसके लिए मणिपाल हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक डिमांड और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के कारण से हमारे पास लाए गए। हमने इनसे बात की, इनको इनकी इन्वेस्टिगेशन देखे और ये पाया कि इनको मल्टीपल ग्राफ्ट की ज़रूरत है और चूंकि इनकी स्पेसिफिक डिमांड थी कि मेरी जो है वो बिना हड्डी काटे बिना चीरे के बाईपास सर्जरी ही मैं करवाऊंगा और कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी के लिए मैं नहीं जाना चाहता, तो हमने अपनी टीम से बात की और फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हाँ, इनकी मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी की जाए और मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी के बाद 2-3 दिन में ही ये करीब करीब घर जाने की अवस्था में आ गए और हमने 4th या 5th डे पे इनको बिल्कुल एब्सोल्युटली सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में चेयरफुल स्टेट में घर भेजने में सफलता पाई। मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी में कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी के मुकाबले में केवल 2 या 3 इंच का इंसिजन लगाया जाता है और वो भी शरीर के लेफ्ट साइड में, वक्षस्थल के लेफ्ट साइड में सब मेमोरी, और कोई हड्डी नहीं काटी जाती, किसी तरीके से वायरिंग नहीं करनी पड़ती और पेन बिल्कुल मिनिमम होता है और ब्लड लॉस भी उससे भी कम। पेशेंट की कंप्लायंस जैसा कि हम समझ ही सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा बहुत ही बढ़िया होती है और पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन कामों में 7 या 8 दिन में पूर्ण रूप से वापस जा सकता है। और यह एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है और इस टेक्निक में मणिपाल हॉस्पिटल में अवेलेबल जो स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट्स हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है और साथ ही सबसे बड़ा योगदान है मेरी अपनी टीम का, जिसमें हाईली डेडिकेटेड एंड यू नो नॉलेजेबल मैन पावर है। डॉक्टर मुनीज बटेजा मेरे फेलो कार्डियक सर्जन, डॉक्टर राम सरन जो चीफ इंटेंसिविस्ट हैं, इन और मेरी बाकी टीम, और इसी के चलते आज हम इस स्थिति में हैं कि हम सभी मरीजों को मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी ऑफर कर सकते हैं, जिसमें जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड हैं और कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी जैसे हैं और जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। थैंक यू।